राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर इस साल 25 नवंबर को मतदान होना है। सांचौर निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और जालौर जिले के अंतर्गत आता है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे सांचौर विधानसभा सीट। सांचौर विधानसभा सीट में इस बार होने वाले चुनाव में कांग्रेस की ओर से सुखराम बिश्नोई को उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी की ओर से जालौर सिरोही से लोकसभा सांसद देवजी पटेल चुनाव में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अगर 2018 के चुनाव की बात करें तो उस समय सीट पर 2,29,761 मतदाता थे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,47,378 थी, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,32,373 थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार सुखराम बिश्नोई ने कुल 84,679 वोट हासिल किए थे, वहीं बीजेपी के दानाराम को 58,771 वोट मिले थे और उन्हें 25,918 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2013 में भी हुए विधानसभा चुनाव में सांचौर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुखराम बिश्नोई ने जीत हासिल की थी और उन्हें 1,03,663 मतदाताओं का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीवन राम को 69,608 वोट मिले थे और उन्हें 24,055 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार के चुनाव की बात करें तो इस सीट पर लगभग 3,04,924 मतदाता है। यहाँ सीधा मुकाबला कलवी समाज और बिश्नोई समाज के बीच होता है। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण पर गौर करें तो यहाँ राजपूत, देवासी और SC/ST जाति का दबदबा है। मतलब राजपूत, देवासी और SC/ST वोट बैंक जिस ओर चला जाता है, माहौल उसी ओर बन जाता है। सांचौर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। वर्ष 1951 से लेकर अब तक यहां 16 बार चुनाव हो चुके हैं। अब तक यहां बीजेपी केवल 2 बार ही जीत पाई है। वर्ष 1990 में लक्ष्मी चंद मेहता और 2003 में जीवाराम चौधरी ने भाजपा को बड़ी जीत दिलाई थी। इसके बाद 2008 में हुए चुनाव में जीवाराम चौधरी निर्दलीय जीते। 2013 और 2018 में सुखराम बिश्नोई ने कांग्रेस से जीत हासिल की। सांचौर राजस्थान का एक ऐतिहासिक कस्बा है। ये प्राचीन काल में सत्यपुर के नाम से जाना जाता था। बता दें, यहाँ वो कुआ है जिससे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के समय से पूरे सांचौर को मीठा पानी सप्लाई किया जाता था और इसका उल्लेख मारवाड़ इतिहास की विश्वसनीय और प्रसिद्ध पुस्तक मूनोत नैनी श्री ख्यात में मिलता है। सांचौर जिले में कुल 4 उपखंड शामिल है, जिसमें सांचौर, बागोड़ा, चीतलवाना और रानीवाड़ा शामिल है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।